भाइयों और बहनों, सरदार साहब के आशीर्वाद से इन ताकतों को परास्त करने का एक बहुत बड़ा फैसला देश ने कुछ हफ्ते पहले ही लिया है। साथियों, आर्टिकल 370 अनुच्छेद 370 ने जम्मू कश्मीर को अलगाववाद और आतंकवाद के सिवाय कुछ नहीं दिया। पूरे देश में जम्मू कश्मीर ही एकमात्र स्थान था जहां आर्टिकल 370 था और पूरे देश में जम्मू कश्मीर ही एकमात्र स्थान था जहां तीन दशकों में आतंकवाद ने करीब करीब 40,000 लोगों से भी ज्यादा लोगों की जान ले ली, मौत के घाट उतार दिया। अनेक माताएं अपने बेटों को खो चुकी है, अनेक बहनें अपने भाइयों को खो चुकी है, अनेक बच्चे अपने माता पिता को खो चुके हैं। साथियों, कब तक देश निर्दोषों के मौत को देखता रहेगा? साथियों, दशकों तक हम भारतीयों के बीच इस आर्टिकल 370 ने एक अस्थाई दीवार बना रखी थी। हमारे जो भाई बहन इस अस्थाई दीवार के उस पार थे, वो भी असमंजस में रहते थे। जो दीवार कश्मीर में अलगाववाद और आतंकवाद बढ़ा रही थी, आज सरदार साहब के इस भव्य प्रतिमा के सामने खड़ा हूं तो सर झुका करके पूरी नम्रता के साथ सरदार साहब को मैं हिसाब दे रहा हूं कि सरदार साहब, आपका जो सपना अधूरा था, अब वो दीवार गिरा दी गई है। भाई और बहनों, कभी सरदार पटेल ने कहा था कि अगर कश्मीर का मसला उनके पास रहा होता तो उसे सुलझने में इतनी देर नहीं होती। वो देश को आगाह करके गए थे कि जम्मू कश्मीर का भारत में पूरी तरह एकीकरण ही एकमात्र उपाय है। आज उनकी जन्म जयंती पर मैं आर्टिकल 370 को हटाने का फैसला आज इस भव्य प्रतिमा के सामने खड़े रह करके, जहां पर भी सरदार साहब की आत्मा होगी, भारत की संसद ने भारी बहुमत से एकता के साथ 5 अगस्त को जो महान निर्णय किया है, उस महान निर्णय को मैं सरदार साहब को समर्पित करता हूं।